गुड मॉर्निंग, सुबह के 6 बज रहे हैं और कल आने के बाद से मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट नहीं किया था। ब्लॉग बीच में ही छोड़ दिया था बिकॉज मेरी बैटरी डेड हो गई थी फ़ोन की, और साथ में इनके फ़ोन की बैटरी डेड थी। मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं आएगी, पीछे पानी बहुत ज़ोरों से बह रहा है। आज हम यहाँ से हरिद्वार की तरफ मूव करेंगे वापस, और वहाँ जाके मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। सर पूल में नहाना है फिर से, ठंडी नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग, चाय आके बहुत अच्छी है यहाँ पे। दूध ज्यादा पानी कम, और हम अभी उठे हैं सो करके। पर मैं सो करके उठ गई थी 6 बजे, और वापस से मैंने एक नैप लिया, मुझे नींद आ रही थी फिर से, तो मैं वापस सो गई। और अब उठ करके अभी बस चाय पीने जा रहे थे हम लोग। अब चाय पीने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, मान बैग और हम करने वाले हैं चेकआउट रूम से। और यहाँ मैंने 3 तरह से बैग अपने सेट किए हुए थे। यहाँ हम लोग का बैग था ये, जिसमें मेरा अंकित का सामान था, और मैं बैग पर्सनली वो पिंक वाला था, ये देखिए जिसमें हमारे का सामान था। और यहाँ मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि जब वो ट्रिप पे आते हैं तो पहले, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कि जब हम ट्रिप से वापस जा रहे होते हैं तो हम लाते तो सब अच्छे से बस ऑर्गेनाइज करके हैं, पर जाते हुए सारा मिसमर जाता सारा सामान। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला कि आप अगर ट्रिप से वापस जा रहे हैं तो आपने करना ये है कि जो अपने आप यूज कर चुके हैं उसे हम लोग को एक सेपरेट बैग में डालते रहना है। इसलिए हमने बैग कैरी किया, जो अपने आप यूज कर चुके हैं उन्हें हमने पानी में मतलब भंगाल दिया है, क्लीन कर दिया, या गंदे भी हैं सपोज तो आप उसे एक सेपरेट बैग में कलेक्ट करते जाए, भंगा के वॉश कर ले, और इससे आपका सामान बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा बाकी का सामान, और आपके बैग में बिल्कुल भी मैसेज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ बिल्कुल यही फॉलो कर रही हूँ, और वो सही जानकारी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। चलते मिलते हैं, बाय। तो बस अब हम तैयार हैं और यहाँ से मूव कर रहे हैं। मैंने ड्रेसअप कर लिया है, उससे पहले हम मायरा को पूल लेके जाने वाले हैं। और ये देखिए मैंने गाउन पहना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सा है लुक इसमें और आ रहा है, और काफ़ी लाइट है ये, तो गर्मी भी नहीं हो रही। और यहाँ बिल्कुल मायरा तैयार है जाने के लिए, पानी में बिल्कुल परेशान कर दिया इसने मुझे, पहले पानी पहले पानी। तो चलिए चलते हैं पहले वापस से सहस्त्रधारा की तरफ में, और सेरे जाके पहले नहलाते हैं वहाँ पे। तो बस ये दोनों वापस घुस गए पानी में, और ये दोनों फिर से मजे कर रहे हैं। तो बस यहाँ से निकलने का वक्त हो चला है, और निकलने से पहले सोचा कि कुछ मायरा को खिला दे हम, तो मॉर्निंग में इससे बेहतर ऑप्शन लगा नहीं। तो ये है मैगी, वेज मैगी मैंने ऑर्डर की है इसके लिए। सो बस खिला पिला के यहाँ से निकलते हैं हम। वापस जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ, और रास्ते में हो रहा था भंडारा, तो सोचा खाने में आज बाहर का खाना खाने के बजाय कुछ ऐसा ही खा लेते हैं। तो ये बहुत ही डिलीशियस का खाना है, हमने अपनी तरफ से भंडारे खाया, पर यहाँ का भंडारा दिखाया। और आज है शायद हनुमान जयंती है आज, तो खाना बगल में भंडारा चल रहा है। अंकित गया खाने के लिए और मेरे लिए खाना लेके आए थे, तो ये देखिए खाना, और यहाँ है हलवा, दोनों ही बहुत टेस्टी है खाना भी और साथ में हलवा भी। सो हमारा लंच आज इसी से होने वाला है, लंच आज हम इसी से कर रहे हैं। पीछे हमारा अभी सो रही है, आप लोग कहेंगे मारा सोती बहुत है, हाँ तो मारा प्रॉपर सो रही है, वो खेल ले रही है, खेल के थक जा रही है, फिर अपनी नैप ले रही है। और ये बहुत ही अच्छा है, जब भी हम ट्रेवल कर रहे हैं मतलब ऑन वे होते हैं तो मैक्सिमम टाइम सोती रहती है, अच्छा होता है, क्योंकि हम भी सोचते हैं वो सो जाए तो बेहतर है, और क्योंकि बच्चे जब जगते हैं तो ज्यादा थकते हैं मुझे लगता है, तो वो कंफर्टेबल है। सो ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। अब आप कह रहे होंगे भूख अच्छी है, नहीं भूख भी इतनी अच्छी नहीं है, बट वाकई में बहुत टेस्टी है। तो बस रात के 8 बज चुके हैं, और आने के बाद से हमने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, और अब हम रूम पे आ गए हैं होटल में। और आज रात का प्लान कुछ ऐसा है कि हम सोच रहे हैं पहले हम घाट की तरफ जाएं और थोड़ी देर वहाँ बिताएं, उसके बाद हम सोच रहे हैं थोड़ी मूवी देख के आए रात को, लेट नाइट शो।
तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं आज। और हम चाहते हैं टाइम को पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज करना। तो रात हो चुकी है और पल्लम घाट की तरफ निकलेंगे। बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ, बहुत भीड़ है, जैसे कि हनुमान जयंती है आज तो काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। बस ये लीजिए, घाट पे आ गए हम और रात के अभी 9 बज चुके हैं। मैंने कहा था ना कि लेट सेट निकल जरूर जाएंगे, तो घाट पे आ चुके हैं और इसके बाद मूवी का शो है, हमारा मूवी शो है। तो यहाँ से बस 9:30 लीव करेंगे और फटाफट तेजी से थिएटर पहुँचेंगे और मूवी देखेंगे। सो हमने ये देखे, मैंने नहीं कम है भाया, अभी फोटो नहीं हुआ। और आपको मैं बता दूं स्पेशली हम क्यों आए हैं। स्पेशली हम आए हैं मायरा का तिलक बनवाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि मायरा को अपना नाम था तिलक। और ये देखिए व्यू, और रश बहुत है आज, जैसे कि पता है आपको हनुमान जयंती है तो इस वजह से रश काफ़ी है। वैसे तो यहाँ आपको नॉर्मली भी रश मिलता होगा, पानी का फ्लो देखिए बहुत तेज फ्लो है। सो ये कुछ नाइट व्यू आपको दिखाया हरिद्वार का, और खासी तो हम लोग आए होंगे यहाँ पे, बट जो यहाँ नहीं आए, जो बहुत दूर से मुझे देख रहे हैं, देखते हैं, तो उनके लिए कभी आइएगा हरिद्वार और घूम के जाइएगा, बहुत अच्छी प्लेस है। इसलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं अभी। मूवी जो हम देखने आए हैं वो आए हैं हम पेंटागॉन मॉल में, पीवीआर में, जो कि ज्वालापुर में है। हरिद्वार का जो ये सिनेमा हॉल था वो इतना अच्छा नहीं था, तो हम यहाँ आए हुए हैं। मूवी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और मायरा को मैं बाहर खिलाने के लिए लेके आई हूँ। सो यहाँ हम देख रहे हैं RRR और बस मूवी ख़त्म होने वाली है। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग इन्जॉय किया हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।